स्वागत है दोस्तों, आज मैं अपनी मिथी कुक की पौराणिक रसोई से आप लोग के लिए एक स्टोरी लाई हूँ। इस स्टोरी में आपको नवरात्रि के हर राज के बारे में पता चलेगा, जैसे कि माँ दुर्गा का जन्म कब हुआ, शेरी उनकी सवारी क्यों है, वो अष्टभुजाओं वाली क्यों है। आप मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहना, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का जन्म कब हुआ था, क्यों माँ दुर्गा को कहा जाता है अष्टभुजाओं वाली, माँ दुर्गा की सवारी सिंगी क्यों होती है, कन्या पूजन क्यों किया जाता है, माँ दुर्गा को त्र्यंबकम भी क्यों कहा जाता है, सिर्फ 9 ही दिन क्यों होती है माँ दुर्गा की पूजा, आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के इस पावन पर्व पे आज हम नवरात्रि से जुड़ी इसी प्रकार कुछ अहम तथ्यों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे माँ दुर्गा का जन्म कब हुआ था। मान्यता है कि माँ देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा रूप में हुआ था और उन्होंने यह जन्म महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए लिया था, इसीलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, तब देवता भागते दौड़ते त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और उस आकृति में सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ डाली, इसीलिए माँ दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। इसीलिए माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान मानी जाती हैं। माँ दुर्गा को भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी से चक्र और ब्रह्मा जी से उन्हें कमल मिला था। तो दोस्तों, इस प्रकार माँ दुर्गा का जन्म हुआ। अब यह भी जान लेते हैं कि सिर्फ 9 दिन ही क्यों होती है माँ दुर्गा की पूजा। भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर नामक राक्षस का वध करने में माँ दुर्गा को 9 दिन लगे थे, इसीलिए नवरात्रि 9 दिन मनाई जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर का वध करने के लिए माता ने 9 दिन अलग अलग रूप लिए थे। और दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन इन्हीं नव दुर्गा के रूप की पूजा होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली क्यों कहा जाता है। दरअसल वास्तु शास्त्र में 8 अलग अलग दिशाएं होती हैं। दरअसल माना जाता है कि माँ दुर्गा हर अलग अलग दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा की 8 भुजाएं हैं और वे अलग अलग दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा ने शेर को ही अपनी सवारी क्यों चुना। दरअसल माँ पार्वती से गौरी बनने की कहानी का इससे गहरा नाता है। दोस्तों, माँ पार्वती ने शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी, इस कारण उनका गोरा शरीर सांवला हो गया था। एक बार कैलाश पर्वत पर बैठकर माता पार्वती और भगवान शिव बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, तभी शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया, जो कि उनको चुभ गया और एक बार फिर अपने गौर रूप को पाने के लिए कैलाश छोड़कर तपस्या में लीन हो गई। तभी वहाँ पर अचानक से एक भूखा शेर आ गया और उसने माता पार्वती का शिकार करना चाहा, लेकिन माता पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी, शेर ने उनकी तपस्या का खत्म होने का इंतजार किया कि जब वह उठेंगी तब मैं उन्हें अपना आहार बनाऊंगा। देवी पार्वती की जब तपस्या पूर्ण हुई तब वहाँ पर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने माँ पार्वती को गौर वर्ण यानी गौरी होने का वरदान दिया। तभी से माँ पार्वती माँ गौरी कहलाई। तब पार्वती माता ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान भूखा प्यासा बैठा रहा। उन्होंने सोचा कि शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए और तब माँ पार्वती ने शेर को अपनी सवारी बना लिया। तो चलिए अब जानते हैं माँ पार्वती को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है। दोस्तों, त्र्यंबके का मतलब होता है 3 आँख और भगवान शिव त्रिनेत्र कहलाते हैं। माँ पार्वती भगवान शिव का आधा अंग है। माँ पार्वती की 3 आँखें अग्नि सूर्य और जल का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, तो अब जानते हैं कि कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख शांति और धन का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, उम्मीद है नवरात्रि से जुड़ी यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें सारी अहम जानकारी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप सबको हैप्पी नवरात्रि।